राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस कड़ी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव कराने के लिए समिति का गठन किया गया है। जल्द ही समिति की रिपोर्ट आएगी और सरकार उस पर विचार करके निर्णय लेगी। इस क्रम में कानून व्यवस्था को लेकर अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार हर वह काम करेगी जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने वाले सर्वे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, साथ ही पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित कर सरकार विचार करेगी। निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग सर्वे का काम कर रही है और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर नगरी निकाय और पंचायतों के आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित होगा। देखिए, हमारी सरकार हर वो काम करेगी जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे, राज्य में कानून व्यवस्था का राज रहे, अपराध पर नियंत्रण आए। ऐसी हर वो कार्रवाई हमारी सरकार करने को तैयार है। आज गणेश चतुर्थी है, मैं प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी माताओं और बहनों ने बहुत ही कठिन व्रत तीजा का रखा, मैं सभी तीजहारिन बहनों को तीजा की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।